ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ट्राई करें 9453724198 या 9450118255। नगर को स्वच्छ बनाए रखने में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा नागरिकों से अपेक्षा करती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अपना सहयोग करें। यह नगर आपका है, इसे स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग न करें। नगर पालिका के करों और बकायों का भुगतान समय से करें। अतिक्रमण न करें। कूड़ा हरी व नीली बाल्टी में ही रखें। कूड़ा उठने के बाद सड़क पर न फेंकें। घर में शौचालय बनवाएं। खुले में शौच कदापि न करें। पॉलीथिन एवं प्लास्टिक का प्रयोग न करें। आजमगढ़ के अतरौलिया से सिकंदरपुर, नरियाव, जहांगीरगंज, अंबेडकर नगर, बस्ती, धनघटा, संत कबीर नगर, गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सड़कों पर 2 से 3 फुट के गड्ढे बन चुके हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने कुछ समाज सेवी संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था, किंतु SDM बुढ़नपुर के आश्वासन के बाद भी मार्ग नहीं बन सका, जिससे लोगों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने 1 घंटे जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर एवं थाना प्रभारी हेमेंद्र कुमार सिंह ने आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। इसमें क्या आश्वासन दिया गया इनको, क्या किस लिए लोड हो जाम करना पूर्णतः अवैधानिक था। इनके द्वारा पूर्व में चेतावनी दी गई, ये इस संबंध में कहा गया था, तो इस पर जो है यह सिकंदरपुर जो मार्ग अम्बेडकर नगर जा रहा है उस पर कार्रवाई हुई। मेरे द्वारा भी इनका ज्ञापन जिले में भेजा गया था, जिस पर इस समय गड्ढा मुक्ति के लिए बोर्डर पड़ रहा है। इनकी मांग कुछ रोड को लेकर के है और जिसके चलते इन्होंने आज रोड जाम कर दिया। इस पर इनसे कहा गया कि कल SPWD मेरे कार्यालय में आएंगे, वहाँ पर आप लोग भी आइए और बोर्डर पड़ने के बाद उस पर प्रतिरोध बनाए जाने के लिए जो भी धन आवंटन की कार्रवाई है, जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो गुणवत्ता पे भी क्यों सवाल उठ रहे थे क्या कि मतलब कि माल सही नहीं लगा रहे हैं आप? हाँ, इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो गड्ढा मुक्ति हो रही है उसमें जो ईंटों का इस्तेमाल है वो अच्छी गुणवत्ता की नहीं है, तो इस संबंध में भी जाँच की जाएगी कि क्या जो ठेकेदार के द्वारा गिट्टी डाली जा रही है वह मानक के अनुरूप है कि नहीं, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत LOB में बड़ी संख्या में GU टैगिंग लंबित रखने पर आजमगढ़ एवं बलिया के 3-3 ADO पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्राप्त धनराशि को रोके रखने के जिम्मेदार ADO पंचायत को चिन्हित कर उन्हें भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही उनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध किए जाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, कर करेत्तर वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि IGRS पोर्टल का प्रतिदिन परीक्षण कर लंबित संदर्भों का निस्तारण डिफाल्टर होने से पहले अवश्य कर ले। उन्होंने जनपद बलिया में केवल एक पर पंचायत विभाग के कई संदर्भ डिफाल्टर पाए जाने पर संबंधित अपर जिलाधिकारी को
निर्देशित किया कि ऐसे एडीओ पंचायत को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मंडल में स्थापित नलकूपों की समीक्षा के दौरान कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण नलकूप बंद होने के मामले में मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर के संबंध में टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराकर उसका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन भी इस टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर खराब ट्रांसफार्मर की समस्या से निजात पा सकते हैं। मलयुक्त ने SBM के अंतर्गत LOB की समीक्षा में पाया कि इसमें जियो टैगिंग में पूरे प्रदेश में आजमगढ़ 66वें, मऊ 53वें एवं बलिया 72वें स्थान पर है। इस स्थिति से नाराज मलयुक्त ने विकास खंडवार समीक्षा में पाया कि जनपद आजमगढ़ के विकास खंड मेहनगर में 315, महाराजगंज में 359 एवं मरैया में 230 तथा बलिया के विकास खंड चिलकहर में 922, नगरा में 1112 एवं पंदहा में 454 जियो टैगिंग किया जाना आवश्यक है। उन्होंने दोनों जनपद के इस विकास खंडों के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रवेश देने का निर्देश दिया। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रही डॉक्टर संगीता सिंह अपूर्ण रूपेण विद्यालय की प्रधानाचार्य होंगी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आए आदेश के उपरांत शुक्रवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। विद्यालय के प्रबंधक सुमित कुमार और समस्त अध्यापिकाओं, शिक्षणेतर कर्मचारियों ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का पद गरिमा, जिम्मेदारी व दायित्व से परिपूर्ण है। उन्हें जो उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है वह उसका पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निर्वहन करते हुए विद्यालय व विद्यालय की छात्राओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करेंगी। ये पद जितनी ही गरिमा का है उतना ही इसका प्रशासन का कार्य जो मिला है, दायित्व का निर्वहन जो विभाग की तरफ से हमारे प्रबंधक महोदय की तरफ से दिया गया है, इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगी कि और भी आगे विकास हो विद्यालय का, और साथ ही साथ पठन पाठन के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व जो मिला है तो प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सांस्कृतिक और व्यक्तित्व का भी विकास हो सके। ये उत्तरदायित्व जो मिला है इसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। विभिन्न शिक्षक संगठनों के संयुक्त घटक उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले लामबंद हुए शिक्षकों और के संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर शिक्षक व कर्मचारी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए महासंघ ने आर पार की लड़ाई का शंखनाद किया। कलेक्टर कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर आयोजित धरने में सरकार के खिलाफ शिक्षकों में गहरा आक्रोश दिखाई दिया। सरकार द्वारा थोपे जा रहे प्रेरणा ऐप को शिक्षकों ने निजता का हनन बताते हुए ऐप का जहां विरोध किया तो वहीं कहा कि शिक्षकों को अपमानित और कलंकित करने का कुचक्र सरकार रच रही है और इसी बहाने वह बड़ी चालाकी से निजीकरण के रास्ते खोलना चाहती है। माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेताओं एवं प्रदेशी सदस्य दिवाकर तिवारी ने कहा कि विभिन्न कार्यों में उलझाए गए शिक्षक दिन में 3-3 बार सेल्फी नहीं दे पाएंगे, ये सरकार भली भांति जानती है। शिक्षकों को मात्र अपमानित और कलंकित करने का वह षड्यंत्र रच रही है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजेश राय, मंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन छीन ली, परिवार नियोजन प्रोत्साहन भत्ता सहित 6 प्रकार के भत्तों को समाप्त करके हमारी तमाम खून पसीने से अर्जित उपलब्धियों को भी छीनने का सरकार ने काम किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु यादव, जिला अध्यक्ष अनिता साइलेस, शिक्षक नेता राकेश मणि त्रिपाठी, मनु त्रिपाठी ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल यह सरकार अगर शिक्षकों व शिक्षा के हित से खिलवाड़ करेगी तो उसके दूरगामी परिणाम उसे भी भोगने पड़ेंगे।
धरने के दौरान शिक्षक नेताओं ने उपलब्धियों को बचाने व अन्य उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। कोटेदार के दुर्व्यवहार, मनमानी व राशन न दिए जाने का एक और मामला शुक्रवार को जिला प्रशासन के पास पहुंचा। ग्राम चेवता विकासखंड महाराजगंज के ग्रामीण शिकायत लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि कोटेदार समय से राशन नहीं देता, देता भी है तो सरकारी यूनिट के हिसाब व दाम पर राशन नहीं देता है। अधिक दाम लेने व लगभग आधी आबादी के अनाज की कालाबाजारी का आरोप भी उन्होंने कोटेदार पर लगाया। ग्रामीणों की शिकायत पर एडीएम साहब ने डीएसओ को स्टाफ के सत्यापन व टीम बनाकर प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। सप्ताह भर में डीएसओ से रिपोर्ट भी तलब की गई है। मामला है, हम लोग को बराबर गल्ला नहीं मिलता है और गल्ला आने जाते हैं तो डांटते हैं, डंडा रखते हैं, मारते हैं और गाली भी देते हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं वहाँ से गल्ला हट जाए। हाँ, लिस्ट में नाम है और का नाम कि सब लोग का कहना ही है कि गल्ला उनके यहाँ से हट जाना चाहिए। अंगूठा लगाने जाते तो अंगूठा नहीं लगता है, बाजार में पैसा निकालने जाते तो अंगूठा लग जाता है, इनके पास अंगूठा नहीं लगता है। अब बोलते हैं हम मुखिया का नहीं लगता तो बच्चों को लगाओ, बोलते हैं बच्चों का अंगूठा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों नहीं चलता? हम लोग का यही कामना है कि गल्ला वहाँ से हट जाए उनका।